Very good morning, students. So as we did earlier, the introduction of the food, and we learned about the ingredients. What are the ingredients in the food? So we are moving further towards the sources of the food. Means sources means from where you get the food. Food आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? हम ये बात करेंगे. इसकी introduction हमने पहले की थी, है ना? सबसे पहले थोड़ा सा with a recap. See the food. It is the basic need of us. Us means all living organisms. So it is very essential for us. Why it is very essential? Because it gives us energy, which it gives us energy to do work. ठीक है? And which energy is there? Chemical energy. And it helps us in our growth and development of the body, and also to maintain good health by the functions of the body organs, for the functions of the body organ. Means food से हमें energy मिलती है, इससे हमारी बहुत अच्छी growth होती है. हम छोटे से थे, food से जो energy हमें, हम रोज़ food खाते रहे और उस फूड से जो जो एनर्जी मिलती गई, जैसे जैसे मिलती गई, हम उससे और बड़े होते गए. हमारी बॉडी ऑर्गन्स बड़े होते गए, हमारी मसल्स, हमारी बोन्स सब ग्रो होने लगे, एंड वी आर नाउ अ वेल डेवलप्ड बीइंग, है ना? सो एंड आल्सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन आवर गुड हेल्थ. ये नहीं कि एक बार हमने अच्छा खाना खा लिया, देन वी आर फुली ग्रोन एंड वी आर फुली डेवलप्ड एंड वी आर द हेल्दी वंस. No, it's not so. It's a regular process and it's a continuous process. So, हमें continuously अच्छा खाना खाते रहना है. So, to make our food tasty, we use different ingredients for different varieties of food we eat. अब हम रोज़ एक ही तरीके का खाना तो नहीं खाते हैं ना? मम्मा हमेशा आपको नई नई तरीके का खाना बना के देते हैं, बहुत अच्छे से बना के देते हैं, है ना? And mama uses many many spices and things to add taste to your food. So these are the ingredients. Different things used to make food are known as ingredients. So ingredients means food comprises means consist of, means बना होता है, of ingredients. एक ingredient क्या है? It is a part of mixture. Means अगर हमने कोई vegetable बनाई, ठीक है, आलू बीच में डाले, शिमला मिर्च बीच में डाली, corn बीच में डाला, बीच में टमाटर प्याज डाला, तो अगर मैं एक की बात करी हूँ, आलू की बात करूँगी, that is the part of that mixture. मिक्सचर मीन्स इतनी सारी चीज़ें जो हमने डाली, शिमला मिर्च डाली, आलू डाला, कॉर्न डाले, प्याज टमाटर, देन स्पाइसेस, नमक मिर्च, ये हल्दी, ये सब डाली, ये सारा मिक्सचर बन गया ना एक वेजिटेबल का, है ना? सो उसका एक पार्ट, एक चीज़ जो रॉ मटेरियल किसी भी डिश को बनाने के लिए हमें कुछ जो चीज़ें चाहिए होती हैं, दैट वी कॉल एज इंग्रीडियंट्स. एंड from where we get these ingredients, and these are the sources of the food. Means वो food के sources क्या है? Source means कहाँ से वो आ रहा है. That can be a plant, that can be the animal. So sources of food means the main sources of food are plants and animals. Plants are the sources of food ingredients. कौन से food ingredients? Like grains, cereals, vegetables, fruits. You all know that we get all these things from the plants. Then animals एक और सोर्स है हमें जिससे फूड मिलता है. और कौन सा फूड मिलता है? इट्स लाइक मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. देन वी आर कमिंग टू प्लांट प्रोडक्ट फूड. प्लांट फूड कैसे क्रिएट करता है, ये हम थर्ड क्लास से पढ़ रहे हैं. एंड यू नो वेरी वेल दैट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स आर अ सोर्स ऑफ, सो प्लांट्स दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू कीप आवर बॉडी
healthy and in a perfect working condition. So we obtain food from plants directly or indirectly, क्योंकि अगर हमें animal से भी food मिलता है, then from where, how they are healthy, from where they get food, then also they get food from plants. प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स फूड, न्यूट्रिशन. सो हु प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर सेल्फ, दिस इज ऑटोट्रॉफ. दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स एंड दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है जी. सो दीज आर द इंग्रीडियंट्स ऑफ द प्लांट फॉर ऑफ द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. फाइन, यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ योर हेयर. कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द स्टोमेटा, वाटर इज कमिंग फ्रॉम द रूट्स, देन क्लोरोफिल इज देयर इन द लीफ विच इज एब्जॉर्बिंग द सनलाइट. सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड देन दिस इज कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू शुगर एंड as a byproduct they produces oxygen and that oxygen is again comes out from the stomata. Stomata, tiny pores which are there on the leaf surface. ठीक है जी. तो these tiny pores are there for the exchange of gases. So this is how they prepare their food and then humans consume almost all parts of the plants. Plants के हर तरीके के हर parts को हम लोग खा सकते हैं. हम कुछ plants की leaves खाते हैं, कुछ की stem खाते हैं, कुछ के roots, कुछ के fruits and कुछ हम खाते हैं seeds. And these are considered to be the edible parts. Edible means खाने लायक part. ठीक है. Then six main parts होते हैं देखो plants के. रूट्स, रूट्स में हम कौन सी रूट खाते हैं, जस्ट हैव अ गेस ओवर इट. दैट इज यस कैरेट, रेडिश, टर्निप. स्टेम किसकी किसकी खाते हैं, लोटस स्टेम खाते हो ना. लीव्स स्पिनच की खाते हो, कोरिएंडर, धनिया है ना, मिंट, पुदीना. देन फ्रूट्स तो हम खाते ही हैं. फ्लावर्स कौन सा खाते हो, कौन सा फ्लावर खाते हो, यू ईट कॉलीफ्लावर. गोभी का फूल खाते हो ना, दैट इज द फ्लावर ऑफ दैट प्लांट. सो रूट्स, जो रूट्स हम खाते हैं वो ये हैं. ठीक है. टर्निप इज देयर, रेडिश इज देयर, देन बीट रूट इज देयर एंड बीट रूट मीन्स चकुंदर. देन कैरेट इज देयर. नाउ दीज आर द स्टेम वी ईट. यू नो दैट अनियन इज अ स्टेम, जिंजर इज अ स्टेम एंड पोटैटो इज अ स्टेम. शुगर केन स्टेम है, वो सभी को दिखता है, बट ये जो पोटैटो, जिंजर और आनियन हैं ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम हैं. ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम हैं. सो वी कम टू नो दैट पोटैटो, अनियन, जिंजर ये सभी अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं. मीन्स रूट से जुड़ता हुआ जो स्टेम का पार्ट होता है. दीज प्लांट्स टेक दैट एज द स्टोरेज ऑर्गन. तो उस पार्ट को जो स्टोरेज ऑर्गन बना देते हैं रूट्स. जो पोटैटो होते हैं, पोटैटो के ऊपर स्टेम की तरह से नोड्स बनी होती हैं जिसमें से लीव्स निकलती हैं. दैट्स वाई वी कॉल दैट एज अ स्टेम. ओके. एंड दैट्स द सेम केस इज द जिंजर ऑल्सो. देन विच प्लांट्स आर बींग ईटन बाय अस एज द लीव्स, दैट इज द स्पिनच, पालक, लेट्यूस, देन कैबेज, देन करी लीव्स, देन मिंट, देन करियंडर. मैनी लीव्स आर देयर. दीज आर द फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स विच वी ईट. बनाना फ्लावर वी ईट, पम्पकिन, pumpkin and then cauliflower and then broccoli. These all are the types of flowers of these plants. Banana flower south mein zyada khate hain, hum log itna nahi khate hain. Then fruits, all the special fruits, the special fruit you get in this season is mango, favorite of everyone.
grapes, then lychee will also come. Then these all are the fruits which we eat, and these are so sweet, you know, so we like them so much, and these are so healthy for us to eat also. Then seeds which we eat, see the groundnuts, mumfali, sesam, til, mustard, sarson, coconut seed, then sunflower seeds, ye sare seeds hum khate hain. ओके, ऑल द पल्सेस, जितनी भी दालें आप खाते हो वो एक तरीके की सीड्स हैं. जितनी में भी से ऑयल निकलता है, जैसे सरसों है, सरसों का तेल निकलता है उसमें से, सो दैट आल्सो वी ईट. देन सीरियल्स एंड पल्सेस, सीरियल्स जो होते हैं ये हमारा मेन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है. मीन्स ये होता ही होता है हमारी, इनमें से कोई एक होता ही होता है हमारी डाइट में, चाहे तो वीट होगा, गेहूँ, चाहे राइस या मेज, कोई ना कोई तो होगा ही, या बाजरा, है ना. ऐसे ही होते हैं कई सीरियल्स जो पूरे पूरे ग्रेन्स होते हैं, दानेदार सब्सटेंसेस होते हैं. दे आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. कौन? पल्सेस. पल्सेस आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स बेटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स में लेग्यूम्स होते हैं, खाली स्पेसेस होते हैं जिनमें बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है. एंड वी कॉल दीज प्लांट्स एज लेग्यूमिनस प्लांट्स. एंड कॉमन प्लांट पी, बीन, सोयाबीन एंड ग्राम, ऑल दीज आर लेग्यूमिनस प्लांट्स. वाई दीज लेग्यूमिनस प्लांट्स आर देयर? इनके बीच में जो बैक्टीरिया रहता है ना, वो बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेकर वो सॉल्यूबल फॉर्म में बना देता है, जो पानी में घुल सके. ऐसे तो नाइट्रोजन नहीं घुल सकती. अब उनको नाइट्रोजन चाहिए क्यों है? नाइट्रोजन चाहिए है उनको प्रोटीन बनाने के लिए. कार्बोहाइड्रेट शुगर तो बनती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में तीन चीज़ें हैं. कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, एट मीन्स ऑक्सीजन, फाइन. सो बट इसी कार्बोहाइड्रेट में अगर हम नाइट्रोजन भी ऐड कर दें, देन दिस विल बिकम द प्रोटीन, ठीक है. दे विल फॉर्म द प्रोटीन बाय एडिंग नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर द नाइट्रोजन इज कमिंग? फ्रॉम द राइजोबियम बैक्टीरिया. वो कहाँ है? इट इज़ लिविंग इन द लेग्यूम्स ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स की रूट्स में, रूट नोड्यूल्स में जगह होती है, उस स्पेस होती है, उस स्पेस में बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया. वो कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन देता है इनको. देन वेजिटेबल्स, ब्रिंजल, टमाटो, लेडी फिंगर, ये सारे हो गए. देन टी एंड कॉफ़ी. टी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स. कॉफ़ी सीड से बनती है. स्पाइसेस के अब ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल फूड वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं होते हैं, बट दे ऐड फ्लेवर एंड टेस्ट टू द फूड, फाइन. जो मेजर स्पाइसेस हैं जो हम खाते हैं, दिस इज पेपर, मिर्च, काली मिर्च, कार्डमम, इलायची होता है, जिंजर, यू नो दैट, अदरक, टर्मरिक इज हल्दी. Then other spices are cloves, लौंग, saffron, केसर, ठीक है. ये सारे जनरल सारे मसाले ऐसे हैं जो हम रोज़ अपनी डेली लाइफ में मम्मा इनको फूड में डालती है, ठीक है जी. सो दीज ऑल आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स. मीन सोर्सेज, देयर सोर्सेज इज ऑल्सो द प्लांट्स. देन स्प्राउट सीड्स होते हैं, जिसको हम भिगो के रखते हैं, उसमें से वो थोड़ा सा पार्ट जो निकलता है प्लांट ग्रो करते हुए, दैट आर नोन एज स्प्राउट्स, ठीक है. उसमें हम जितने भी पूरे साबुत दाना जो होता है, जैसे मूंग की दाल, मोठ की दाल, काला चना और
काला चना, इवन सफ़ेद चने भी होते हैं, उसको भी हम एज अ स्प्राउट्स यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन की दाल हो गई, रेड वाली दाल हो गई, इन सभी को हम भिगोते हैं। भिगो के गीले कपड़े में बांध देते हैं, स्प्राउट मेकर में डाल देते हैं। देन दे कैन बी ईटन रॉ एंड दे आर सो न्यूट्रिशियस, दे आर फुल ऑफ प्रोटीन्स। इनसे हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। अगले पीरियड में हम ये करेंगे कि वाई वी नीड प्रोटीन, प्रोटीन हमारी बॉडी की क्या हेल्प करता है। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ दैट प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर बॉडी। आपकी बॉडी जो छोटे से बड़ी हो रही है और आपकी मसल्स बन रही हैं, आपकी लेग्स की मसल्स बन रही हैं, आपके हैंड्स की मसल्स बन रही हैं। आपने देखा होगा अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर्स को, अगर कोई जिम जाता है आपके घर में से, तो उनको स्पेशल प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है सो दैट दे हैव टू मेक देयर एब्स बनानी है, मसल्स क्रिएट करनी है और सेल्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए उनको चाहिए बहुत सारा प्रोटीन। सो वी डोंट हैव टू ऐड द प्रोटीन पाउडर इन आर डाइट, वी शुड हैव द प्रोटीन रिच फूड in our diet. If we are having sprouts in our diet daily, then we don't need any protein powder or anything else to be added to our food, any synthetic thing. Then we are coming to animal food products. Animal food products are the different types of food that we get from the animals. Kaun se hame animals se milte hain products? Yes, you all know very well that is milk, eggs, poultry, meat, honey, these all are the products आजकल हनी भी रोज़ यूज़ हो रहा है, मिल्क भी रोज़ यूज़ होता है, बाकी मीट, पोल्ट्री एंड एग्स नॉर्मली। अभी बर्ड फ्लू कुछ टाइम पहले चल रहा था तो बहुत कम हो गया था, बाकी जो लोग खाते हैं वही खाते हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग, मैनी ऑफ द पीपल डजंट ईट दैट। Animals obtain their food from, animals को food कहाँ से मिलता है? Obviously from the plants or from the animals smaller from them, other animals. ठीक है जी। Milk is obtained from the animals such as cow से, buffalo से, sheep से, goat से and camel से भी। राजस्थान में जितना भी दूध होता है वो camel से मिलता है and it is very nutritious. मिल्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन आइडियल फूड, क्योंकि मिल्क में लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन सी को छोड़कर मेनली। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिंस, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब कुछ होता है इसके अंदर। अगर हम सुबह शाम रात 3 ग्लास दूध पी लें तो लगभग हमें जो हमारी बॉडी का सब कुछ चाहिए बॉडी के लिए, वो सब कुछ मिल जाता है। इट ऑल्सो कंटेन्स कैल्शियम फॉर हेल्दी बोन्स, इससे हमारी बोन्स बहुत हेल्दी बनती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं हमारी बोन्स अगर हम मिल्क लेते रहेंगे बहुत अच्छे से। तो मैनी मिल्क प्रोडक्ट्स, जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम उसको डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। इट्स डेयरी, डेयरी और डायरी में थोड़ा सा स्पेलिंग का फ़र्क है, नथिंग एल्स। सो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, डायरी होती है DIARY, डाय पहले DI, फाइन, डेयरी में DA, डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड दीज आर मेड फ्रॉम मिल्क। एग्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन, वी गेट एग फ्रॉम ऑब्वियसली बर्ड्स, जैसे हैन, डक, गीज, क्वेल्स, ये सारे बर्ड्स हैं जिनसे हमें एग्स मिलता है। मेनली हम हैन एग यूज़ करते हैं, इसके अंदर विटामिन्स भी होते हैं, फॉस्फोरस, कैल्शियम और आयरन, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। सो इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो, बट मैनी ऑफ द पीपल डजंट ईट द एग बिकॉज दे थिंक दैट इट इज़ अ नॉन वेज। देन मीट, इट इज़ द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का मांस इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो इसको हम मीट बोलते हैं। मीट हमें मिलती है गोट से, चिकन से, चिकन मीन्स मुर्गी, सीप एंड गोट। मीट में बहुत ज़्यादा फैट होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, विटामिन्स, जिंक, फॉस्फोरस, आयरन, ये सब मिलता है। ठीक है,
बट अगेन इट्स नॉट लाइक बाय मैनी ऑफ द पीपल. इवन आप भी अपने में से देख रहे हो, जो जो सुन रहे हैं उसमें से भी 70% ऑफ द पीपल डजंट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड. सो मीट ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन वेज. फाइन. सो इट इज़ इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. बट हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम मीट नहीं खाएंगे तो हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी. वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज ऑल्सो. ओके. देन सी फूड इज़ ऑल्सो देयर. और ये सी फूड हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में एंड स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज, मतलब वो एरियाज जो सी के आसपास हैं, ठीक है, समुद्र के आसपास है, वहाँ पे तो बहुत लोग खाते हैं. इन साउथ, साउथ में बहुत दुनिया खाती है सी फूड, जिसमें फिश, प्रॉन, क्रैब, ये सब चीज़ें आती हैं. इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है, इवन फिश कैप्सूल्स आते हैं, उसमें भी शार्क लीवर ऑयल होता है और ओमेगा 3 होता है, जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है. तो जो लोग नहीं खाते हैं तभी कहते हैं, साउथ में जो लोग होते हैं ना उनका ब्रेन बहुत शार्प होता है, ठीक है. सो अदरवाइज बच्चों को ओमेगा 3 अखरोट से भी मिलता है, अलसी से भी मिलता है, इफ दे ईट. फाइन. सो देन वी आर कमिंग ऑन हनी. ये स्वीट लिक्विड है, ये भी बीज बनाती हैं, सभी को पता है मधुमक्खी बनाती हैं फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स सारे, बहुत सारे फ्लावर्स के पास जाती हैं, उससे उनका रस चूसती हैं, फिर वो इकट्ठा करती हैं. हनी इज़ ऑफन ईटन विद ब्रेड. इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ मेडिसिनल वैल्यू. अभी तो हम देख ही रहे हैं ना, कोविड पीरियड में हम बहुत ज़्यादा शहद ले रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर कीपिंग आर थ्रॉट हेल्दी. मीन्स हमारे जो लंग्स हैं, थ्रॉट है, ये सब जो ये मेडिसिनल वैल्यू है. हमारा गले, गले में कोई इन्फेक्शन होता है तो जिंजर विद हनी लेते हैं तो उससे बहुत अच्छे से फ़र्क पड़ता है, ठीक है. देन दीज आर द डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम मिल्क. दीज आर द डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि पनीर, चीज़, क्रीम, बटर, कर्ड, घी. दीज ऑल आर द प्रोडक्ट्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिल्क एंड दैट्स वाई दीज आर नोन एज डेयरी प्रोडक्ट्स. फाइन जी, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. सो दिस इज फॉर टुडे, दिस इज ओवर फॉर टुडे, ठीक है. सो नाउ व्हाट्स योर होमवर्क? योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट योर फुल डाइट चार्ट, कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में, देन बीच में, देन लंच, फिर बीच में क्या लेते हो, फिर डिनर में क्या लेते हो. आपको पूरा अपना डाइट चार्ट बनाना है. एंड डाइट चार्ट बनाने के बाद जो भी आप लिखोगे कि आपने चपाती ली विद दिस सब्जी ली, तो आपने चपाती के और सब्जी के सभी के इन्ग्रीडियंट्स लिखने हैं. क्या लिखने हैं? इन्ग्रीडियंट्स लिखने हैं. आई एम गिविंग इट इन द असाइनमेंट ऑल्सो, सो यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट इन जस्ट 2 days. फाइन, दिस इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू डू इट इन योर प्रैक्टिकल नोटबुक ऑन वाइट पेज. फाइन, थैंक यू सो मच.